Good morning, students. Today we are going to learn an important poem in our syllabus, that is Have You Earned Your Tomorrow, written by Edgar Guest. अभी एडगर गेस्ट इनके द्वारा इस लिखी गई पोएम को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आइस ब्रेकर्स में कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम देख लेते हैं. यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो एक्टिविटी दी हुई है, कंप्लीट द फॉलोइंग वेव, वहां पे एक वेव डायग्राम आपको दी हुई है, आपकी किताब में शायद दिख रही होंगी, पेज नंबर 111 पे देखिए. वहां पे है डिफरेंट वेज टू हेल्प अदर्स. व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू हेल्प अदर्स, किस तरह से हम दूसरे लोगों की, हम उनकी तकलीफ में हेल्प कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि बाय फिनांस, यानी इकोनॉमिकली आप किसी की मदद कर सकते हैं, इमोशनली किसी को, एक मोरली आप उनको सपोर्ट देके भी आप उनको एक तरह से हेल्प कर सकते हैं. इसके बाद में फिजिकली, कोई जरूरतमंद है, कोई उसको जानकारी चाहिए तो उससे भी आप उसको हेल्प कर सकते हैं, या फिर कोई आपको तकलीफ में दिख रहा है तो उनके पास में जाके भी उनको पूछ के भी आप उनको हेल्प कर सकते हैं. इस तरह से दीज आर द डिफरेंट वेज टू हेल्प द पीपल. सेकंड एक्टिविटी है यहाँ पे, डिस्कस विद योर पार्टनर अबाउट द डिफरेंट आइडियम्स प्रोवर्ब्स रिलेटेड टू वर्ड टुमारो, वन इज डन फॉर यू. तो यहाँ पे एक दिया हुआ है जिसको मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे आपके लिए. नेवर पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, यानी अगर आप आज कर सकते हो तो आप कल की राह क्यों देख रहे हो, यानी कल के ऊपर अपना काम पोस्टपोन करना या आगे ढकेलना, इसके बजाय आप आज ही उसको फिनिश करने की कोशिश करिए. उसके बाद आप और एक यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि टुमारोज बैटल इज वॉन ड्यूरिंग टुडेज प्रैक्टिस, यानी कल की हमारी जीत जो है वो आज की प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है. तो आप ऐसे ही कुछ और आप फाइंड आउट करके आप इनको लिख सकते हैं आगे में. When you make your future plans, you think of कौन सी चीजों के बारे में हम सोचते हैं, जैसे वहां पे अपने करियर के बारे में, उसके बाद में वहां पे हमें पेमेंट कितना मिलने वाला है, बिकॉज वी आर वरीड अबाउट द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, है कि नहीं. तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में हम सोचते हैं वहां पे. इसके बाद में फिर एक तरह से अपनी हायर स्टडीज के बारे में भी हम सोचते हैं. अब जब हम अपने करियर के बारे में सोचते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे अपने लाइफ के बारे में हम सोचते हैं कि हाउ एंड वेयर वी आर गोइंग टू स्टे एंड स्पेंड द रिमेनिंग लाइफ, कैसे हम बिताना चाहेंगे, कहाँ पे हम अपनी जिंदगी बसर करेंगे, और दोस्त थिंग्स. These are also a part of our career. Okay. Then plan your tomorrow by completing the table given below. यहाँ पे कुछ है दिया हुआ, examination में आप कैसे plan करेंगे. यहाँ पे दिया हुआ है last वाला revision करके. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे वहाँ पे, तो आपकी जो भी पढ़ाई है उसको पढ़ाई करेंगे. So read the study content. उसके बाद में we will read again and practice again, clear our doubts, okay, ask for the doubts and clear them, और लास्ट में फिर आएगा वहां पे revision. वैसे ही कॉलेज फंक्शन है, कॉलेज में कोई फंक्शन तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे, चॉक आउट करेंगे प्रोग्राम, कि वो प्रोग्राम किस तरह से होगा, उसकी प्रिपरेशन क्या होंगी, हमारे गेस्ट कौन आने वाले हैं, उसके बाद में फिर वहां पे गेस्ट को इनविटेशन देना, इसके बाद में फिर अपने फ्रेंड्स में कुछ अपनी ड्यूटीज है उनको सर्कुलेट करना, और उसके बाद में फिर पूरी तरह से बराबर हो रहा है कि नहीं सब चीजें, इनको फॉलो अप लेना, ये सभी बातें हम यहाँ पे बोल सकते हैं. फंक्शन एट योर होम, हमारे घर में अगर कोई फंक्शन तो हम किस तरह से तैयारी करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे क्या करेंगे, क्लीनिंग द हाउस, यहाँ पे बताया, ठीक है, क्लीनिंग द हाउस. उसके बाद में थिंक अबाउट द इनविटेशन, नंबर ऑफ पीपल, उसके बाद में फिर अरेंजमेंट होती है खाना वगैरह वहां पे, तो उसको फिर बताना, खाने वाले को, कैटरिंग वाले को बताना, ठीक है ना, ये सभी प्रिपरेशंस में आएगा. इसके बाद में फिर जब एक्चुअल प्रोग्राम है तो उसके लिए डेकोरेशन लगता है. इसके बाद में फिर मेहमान जब घर में आते हैं तो उनको डिग्निटरीज को उनको वेलकम करना होता है, सो वेलकमिंग द गेस्ट, ये सभी बातें जो है दिस आर द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम.
ओके अभी हम स्टार्ट करते हैं एडगर गेस्ट. नाउ एडगर गेस्ट ही वाज बोर्न इन इंग्लैंड एंड आफ्टरवर्ड्स ही वाज ब्रॉट टू अमेरिका. उसको अमेरिका लाया गया लेकिन उसका जो जन्म जो है वो इंग्लैंड में है. फिर जब उसको अमेरिका लाया गया एट दैट टाइम ही वाज 11 इयर्स ओल्ड. ओके ही वाज 10 इयर्स ओल्ड सॉरी एंड ही बिगन हिज राइटिंग करियर फ्रॉम द एज ऑफ 14. ओके तो फिर उन्होंने एडगर गेस्ट जो है एक्चुअली उनको एक पीपल्स पोएट कहा जाता है. पीपल्स पोएट ही वाज वेरी फेमस. तो उनके बारे में मैं बता दूं कि उन्होंने अपने 30 साल के करियर में करीबन 11,000 पोएम्स उन्होंने लिखी हुई है और उन्होंने अपना जो राइटिंग वर्क करे है ही हैज डन हिज राइटिंग वर्क फॉर पर्टिकुलरली द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन. ओके पर उन्होंने द टॉपिक्स दैट ही हैंडल दीज आर वेरी कॉमन एंड अगेन द सोशल इश्यूज एज वेल एज द टॉपिक्स रिलेटेड टू कॉमन ह्यूमन बीइंग्स इसलिए उनको कहा जाता है पीपल्स पोएट. ओके देन जो पोएम हम आज पढ़ने वाले हैं हैव यू अर्न योर टुमारो एक्चुअली इट इज अ वेरी एक सेट राइम स्कीम में पोएम है. स्टांजा पैटर्न में पोएम है. साथ ही में इस पोएम में जो टॉपिक हैंडल किया हुआ है द टॉपिक दैट इज एक्चुअली डिस्क्राइब्ड और अगेन दैट इज एक्चुअली गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट ओके हियर बाय द पोएट. It is about our future. How do we behave? Okay. क्या होता है कि हमारा बर्ताव जो होता है that gives birth, our behavior gives birth to our future. यानी आज हम जिस तरह से बर्ताव करेंगे it will certainly give birth to our future. जैसे करनी वैसे करनी जो बोलते हैं ना that is also kind of the same thing. तो यहाँ पे उन्होंने बताने की कोशिश करी है कि If you are a good sort of person, a helpful person, again worried about the people's worries, okay, you are social in behavior and again as well as you are very helpful to the needy people, certainly you have earned your tomorrow. Okay, तो यहाँ पे एक तरह से format जो है poem का वो एक interrogative form में है. और यहाँ पे यू जो है यू दैट स्टैंड फॉर द रीडर्स और हिम जो है द पीपल दैट वी कम अक्रॉस. यहाँ पे एक यू वर्ड यूज किया हुआ है और साथ ही में यहाँ पे एक दूसरा वर्ड यूज किया हुआ है दैट इज हिम. तो यू स्टैंड फॉर वी पीपल मींस हियर द रीडर्स ओके और हिम स्टैंड फॉर द स्ट्रेंजर्स और द पीपल that we come across in our life. ठीक है तो how do you behave with them? That is very important. अगर उनसे आप अच्छे तरह से बर्ताव करेंगे तो certainly you have earned your tomorrow. वो कैसे वो लास्ट के स्टांजा में हमें पता चलेगा. The poem is actually divided in four stanzas and let us begin. Have you earned your tomorrow? Is anybody happier because you passed him way? यहाँ पे कुछ ऐसे फ्रेजेस यूज की हुई है. तो पास्ट हिज वे ओके तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं. यहाँ पे इंट्रोगेटिव फॉर्मेट है. उन्होंने बताने की कोशिश नहीं करी तो उन्होंने आपको पूछा है. एक्चुअली विद दिस इंट्रोगेशन उसका इफेक्ट क्या होता है कि द पोएम विल मेक यू थिंक एंड जज यूर सेल्फ या आपको सोचने पे मजबूर कर देगी और जज करने पे मजबूर कर देगी कि हाउ यू आर व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. क्योंकि पोएम तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है लेकिन यहाँ पे सही में सीख लेने लायक हमारे लिए है क्या. हाउ डू वी बिहेव दैट इज द क्वेश्चन. तो यहाँ पे वो सबसे पहले पूछ रहे हैं कि इज एनीबॉडी हैप्पियर. आपने किसी को हैप्पी किया क्या बिकॉज यू पास्ड हिम वे हिज वे. ओके तो यहाँ पे आपने उनको अच्छी ट्रीटमेंट दी जिससे कि वे क्या हुए द पर्सन ही हैज एक्चुअली फेल्ट हैप्पी विथ यू. हैव यू डन एनीथिंग लाइक दैट. डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे. आपने किसी से जानबूझकर हैव यू पर्पसली इंक्वायर्ड समबडी.
Have you talked with anybody? Because he was expecting that you would talk with him, and again you would inquire with about his doings, and again his any of the things. Okay, so have you done that? Have you talked with somebody? Have you spoken with somebody? This day is almost over and its toiling time is means here that this day is almost over. आज का दिन तो हो गया, okay? ये तो पूरा हो गया. It has passed away, okay? And its toiling time is through. और यहाँ पे हमने जो अपना time spend किया हुआ है, it is in a hard or physical world. In a hard physical world, we have spent our day today. This day is almost over, and its toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word for you? जिंदगी तो हर कोई जीता यहाँ पे, लेकिन अपने बर्ताव से with our behavior, have you satisfied anyone? Is anybody there who is having gratitude feeling about you? Is having some good words about you because you have helped him? Is there any experience to share with you? वो पूछ रहे हैं यहाँ पे. फिर वो बोलते हैं सेकंड स्टांसा में, डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग. Somebody is just walking by and he is one of your old friends, and have you greeted him with a smiling face? ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कि आपने उनको हंसते हुए ग्रीट उनको किया क्या, वेलकम किया क्या. Have you inquired with him happily, okay, in a cheering way or a churlish sort of howdy? Churlish, that is rude. Howdy, that is a kind of actually it is an informal friendly greeting, okay. तो एक informal friendly greeting है, और वहां पे आपने खुद के selfish वजह से that you just made और आपने जैसे उनसे rudely behave किए, you behaved rudely with him, okay, and you just did not pay attention to him and you just left him, okay, and they vanished in the throng, yani in the crowd throng. So have you disappeared in the crowd, okay, without greeting him happily, okay? Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way? So have you been selfish with him, or pure and simple, okay? तो यहां पे वो कहना चाहते हैं कि were you selfish, pure and simple means actually you were actually lost in your own world, so you did not have that much time, and making that excuse you just left that person without helping, without greeting, and you just get lost in the crowd. Was the thing, or were you selfish and you just disappeared in the crowd, or is someone mighty grateful for a deed you did today? या फिर कोई ऐसा है कि वो क्या कर रहा है, he is grateful for the behavior that you have just exchanged with him. यहाँ पे दो तरह से है, कोई आपका पुराना फ्रेंड है, one of the old friends that you are meeting, or even someone new one also, but he knows you and he is expecting something from you that when he will just cross him, जब वो आपका उनका आपका आमना सामना होगा तो पास करते वक्त एक नॉर्मल सी एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग उनको ग्रीट करते हैं, नमस्ते बोलते हैं, या फिर गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हाउ आर यू करके पूछते हैं. तो कई बार ऐसे भी लोग होते हैं कि जो उनके तरफ देखे बिना एक तरह से
वो उनको निग्लेक्ट कर देते हैं और दे जस्ट पास अवे इन द क्राउड. ओके, दे जस्ट गो अवे, गेट लॉस्ट इन द क्राउड. ओके, दैट इज द थिंग. कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट्स स्लिपिंग फास्ट. सो टुडेज डे दैट इज स्लिपिंग फास्ट, यानी आज का दिन जो है वो तो बहुत ही घाई घाई से वो स्लिपिंग फास्ट, यानी वो आगे आगे बढ़ रहा है वो. ओके, इट इज स्लिपिंग फास्ट. ओके, तो आज की रात क्या आपके पास में कुछ ऐसा है जो आज का दिन जो एक तरह से जल्दी जल्दी में बीतते चले जा रहा है. टुडे डू यू हैव एनीथिंग दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मेनी दैट यू पास्ड? हैव यू हेल्प एनीबॉडी? ओके, इज अ सिंगल हार्ट rejoicing over what you did or said, or anybody is there who is rejoicing yani feeling happy in your the heart, yani heart yani jaise ek part hai, but actually yahan pe wo keh raha hai ki any of the person he is feeling happy with by interacting with you, or again he has come across with you and again you have treated extremely well or in a happy or cheerful way, and so he's feeling really satisfied about you, and he just will remember you in the future also. Okay, so is a single heart rejoicing over what you did or said today? Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? Okay, is there a man whose hopes were fading now? Actually, he is losing his hope. ये दूसरी एक side है, another side of the coin. What it is? That he is losing his hope. Why he is losing his hope? Because he actually was not treated well by you, and so we are fading now with courage look ahead. Okay. So, यहाँ पे वो कहना चाहते हैं, इसका मीनिंग क्या है कि आपने किसी के हार्ट को ब्रेक किया बाय नॉट ट्रीटिंग वेल. ओके, सो ही इज लूजिंग करेज, और वो शायद वो डर गया है. ही इज लूजिंग हिज करेज, आगे में आपसे शायद ही वो हार्डली वो आपसे बात करने की कोशिश करे, बिकॉज यू डिड नॉट इंटरैक्ट वेल विद हिम. ओके, did you waste the day or lose it? Was it well or sorely spent? So how did you spend your day? How did you spend your day or lose it? आपने आज का दिन कमाया, earned or wasted, यानी गवाया. Have you earned today's day or have you wasted it? Why? Was it well or sorely spent? Sorely means here uselessly. Have you used today's day or have you spent it in useless manner? Did you leave a trail of kindness? क्या आपने अपने behavior से leave a trail of kindness? यानी you interacted well with the people, you cheered them, you made them happy with your behavior, you greeted them happily, and so your behavior has made them satisfied, has made them happy about you, and so jaise aapne unse baat ki acche se haske khulkar baat ki, and so they felt really happy about you. Okay, so leave a trail of kindness, leave behind someone smiling. आपने किसी को मुस्कुराते हुए पीछे छोड़ दिया, और a scare of discontent, or you have left someone dejected. You have made him nervous because you did not pay attention to him. क्योंकि सब हम सब लोग hopeful रहते हैं कि this is my friend, or he knows me. He actually will behave in a well manner with me. लेकिन अगर हम उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं करते,
तो यहाँ पे क्या होता है कि their heart is broken. तो यहाँ पे हर एक दिन जो है आपको किसी ना किसी तरीके से किसी की हेल्प करना है, इन एनी वे दैट इज पॉसिबल फॉर यू. ओके, अगर आप हेल्प करते हैं दैट मीन्स यू हैव यूटिलाइज दैट डे इन अ गुड मैनर. बट इफ यू डिड नॉट यूज दैट डे फॉर दैट पर्पज एंड यू जस्ट लिव फॉर यूर सेल्फिशनेस, देन यू हैव वेस्टेड यूर डे. And so here the poet is saying that, or a scar of discontent means here, that is, you have made someone unhappy with your behavior and you have made him dejected. Okay, as you close your eyes in slumber, slumber means here in a sleep, do you think that God would say, जब आप नींद लोगे, जब आप नींद लेने चाहोगे, you are going to fall asleep, and at that time God would come and would say in your ears, what he would say, you have earned one more tomorrow. कि आपने अपनी जिंदगी में एक दिन और earn किया है, आपको एक दिन gift किया जाता है, एक दिन more, one more day. Why? By the work you did today, because you have done a good work, and because of this, you are gifted with one more day. तो यहाँ पे आपको poet के बारे में एक central idea तो आ ही गई होगी. Here poet, he wants that we should be kind and grateful to the other people. The people around us, they are expecting something from you. And so you should greet them in a well manner. You should be cheerful with them. Whatever the sorrows or whatever the worries, the complaint, or again whatever the haste that you might have, but you should help them. At least one single person should feel or should have a gratitude feeling about you. हमें कुछ ना कुछ एक अच्छा काम कर दिन करके छोड़ना है, जिसकी वजह से भगवान हमारे पास आए रात के समय और वो हमें बोले कि तुमने आज ये अच्छा काम किया है, इसलिए तुम्हें एक दिन और मैं जीने के लिए गिफ्ट करता हूँ. सो दैट्स द वे, हैव यू अर्न योर टुमारो. तो हमारे अगले ग्रेड में हम यहाँ पे देखेंगे कि सम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीचेस, या फिर जिसको हम बोलेंगे कि एक तरह से पोएटिक अप्रिसिएशन जो है, वो भी हम देखेंगे अगले पार्ट में, और एक्टिविटीज के बारे में भी हम देखेंगे. सो वी विल स्टॉप हियर. होप यू लाइक दिस वीडियो. सो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए.